हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी टू वन स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 5 बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत हम सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्केप्टोनुरिया और फिनाइलकेटोनुरिया को पढ़ेंगे। ये जो सारे बीमारी हैं ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसके पहले हमने एक्स लिंकेज, जो ऑटोसोम अल्लोसोमल के अंतर्गत एक्स वाई था, एक्स लिंकेज वाले जितने भी डिसऑर्डर थे उसको हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आया। उसके बाद फिर वाई वाला जो पढ़े, वाई वाला में फिर एक दो नाम आया जिसमें कानों के बाल वाले में चर्चा हुई थी। तो ये दोनों एक्स लिंकेज की सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गई। अब जो है ऑटोसोमल के अंतर्गत हम डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर क्रोमोसोमल डिजीज़ को पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल में भी हम ऑटोसोमल और अल्लोसोमल आएगा। तो आइए देखते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत पहला ये क्या है, दात्र कोशिका रक्त, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, SCA शॉर्ट बोलते हैं। अब देखिए ये है क्या, सिकल सेल एनीमिया ये ब्लड से रिलेटिव है। इसका सर्वप्रथम इसकी खोज या किसने किया, किसने इसको पहचाना, तो इसका वर्णन जो है शिकागो के डॉक्टर थे हेरिक, है ना, के द्वारा 1904 में, है ना, सिकल सेल एनीमिया को पहचाना गया था। उन्होंने इसकी जो है वर्णन सर्वप्रथम किया था। तो इसमें एक पॉइंट ये जान लिया। उसके बाद ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके बाद इसकी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर बारंबारता की बात करते हैं, ये 1600 पुरुषों में से, 1600 लेडीज महिला जो भी हैं, 1600 व्यक्तियों में से एक को होता है। और यह ज़्यादातर जो है जो काले शामले काले लोग जो है, है ना, पर्सन को वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पर समान रूप में ये पाया जाता है। जैसे मान लो काले लोग इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, अफ्रीका जितने भी हैं, तो इसके अलावा जहाँ जहाँ भी ये सांवले वर्ण के लोग रहते हैं वहाँ पे ये केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई व्यक्तिगत यहाँ पे इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे इस कलर के, तो उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अब बात आती है 1 मिलियन, 10 लाख जो है प्रतिवर्ष पूरे संसार में इससे लोग मरते हैं, ज्यादातर ये बच्चों में देखी जाती है। तो आइए हम इसको डिटेल से समझें, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, अब ये बीमारी कैसे होती है और किस तरह से होती है, क्या क्या इसमें हमको परेशानियां आ सकती हैं, ये सारे चीज़ को हम देखें एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन कैसे बना हुआ है और किस तरह से इसमें परेशानियाँ होती आ रही थी। तो मान लीजिए ए हीमोग्लोबिन के एक पार्टिकल्स है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के एक पार्टिकल्स में जो होता है 4 हीम पाए जाते हैं, है ना, और ये 4 हीम किसको बोलते हैं, ये जो आयरन है ना, आयरन, है ना, एक आरबीसी का, एक हीमोग्लोबिन का जो पार्टिकल्स लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें 4 आयरन पाए जाते हैं, उस आयरन को ही क्या बोलते हैं, हम हीम बोलते हैं। ठीक है, ये भी हीम हुआ, ये भी हीम हुआ, ये भी हीम हुआ। अब यहाँ पे क्या है, और इसमें चारों तरफ ये जो पार्टिकल देख रहे हो हीम में, सब में क्या होता है, एक स्प्रिंग नुमा इस तरह से प्रोटीन होता है, उसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। तो ऊपर वाले दो को हम अल्फा ग्लोबिन बोलेंगे, नीचे वाले दो को बीटा ग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ, यहाँ पे अब जब यहाँ पे हम इस अल्फा में जब भी सिकल सेल एनीमिया होता है तो बीटा जो है, ये दो बीटा होता है, 2 अल्फा होता है, तो सिकल सेल एनीमिया जब भी होगा, हीमोग्लोबिन के एक पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं, उसमें ये 4 आयरन होते हैं और 4 को हीम बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में, उसके बाद इसका जो आगे चेन सिस्टम चलता है, देखिए चेन सिस्टम, ये एमिनो एसिड का जो है ना, एक एमिनो एसिड में जो है बहुत सारे जो चेन सिस्टम प्रोटीन के होते हैं, ऐसे करके चेन होता है। ठीक है, तो ऐसे करके करके, है ना, 146 तक होता है ये, ठीक है, चेन इसका।
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे छठा नंबर पे आता है, छठा नंबर का जो एमिनो एसिड है ना, सिक्स नंबर का, उसको बोलते हैं ग्लूटामिक। ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए एमिनो एसिड है ना, अगर छठा पेयर पे, छठा जो चेन सिस्टम है उस पे ग्लूटामिक एसिड अगर बन रहा है तो आरबीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो छठा जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन एसिड बना देगा, वो वैलिन एसिड बना देगा। और इसके हम कोडोन की बात करें कि ये जो है जी ए जी चेंज होके जी यू जी बदल जाएगा, ठीक है, ये बदल जाएगा, यही इसी को हम एमिनो एसिड के ग्रुप कोडोन हुआ ये। और इसको कोडोन को मैं आपको बताऊंगा आने, जेनेटिक कोड जब बताएंगे ना ये सब चीज के बारे में, और डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा एडेनिन गुआनिन के बारे में बताऊंगा इस चीजें। अभी समझिए ग्रुप, तीन ग्रुप में रहता है, कोडोन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसको लिख ऐसे करके, या हम ग्रुप कोडोन की बात करें तो जी ए जी चेंज रहता है जी यू जी में, ठीक है। तो एक ये भी इस तरह से क्वेश्चन निकलता है, बन जाता है। तो आप समझिए ग्लूटामिक एसिड अगर बनना चाहिए लेकिन क्या बन जाएगा, वो चेंज होकर वैलिन बन जाएगा। तो क्या होगा, इसका चेन यहाँ पे टूट जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो वही म्यूटेशन के कारण। वैलिन बनेगा तो क्या होगा, अब देखिए रोल यहीं पे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, ये नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है। ये नॉर्मल आकार आरबीसी कैसा होता है, जैसे इसमें जो सिक्स पेयर पे जो ग्लूटामिक एसिड नहीं बन के वैलिन बन जाएगा, तब इसके शेप में जो है ना चेंजिंग हो जाएगा। ये क्या होगा, आपस में सारे जो इसके जो आरबीसी के पार्टिकल्स हैं ये आपस में चिपक जाएंगे, है ना, थक्का टक्का ज्वाइंट हो जाएगा। और ऐसा साइड से होके, ऐसा नहीं होके, इस तरह से सेप हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सिकल शेप्ड आरबीसी, ऐसा सिकल शेप आरबीसी हो जाएगा। और ये इस प्रकार से चेंज होने की प्रक्रिया ही दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। और इसे प्रभावित क्या क्या होगा, तो देखिए जैसे आपका ये चिपक जाएगा पार्टिकल, तो आरबीसी जो है आपको ब्लड वेसल्स जो होती है, जो नलिकाएं ट्यूब्स होती हैं, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बॉडी में होते रहता है ब्लड वेसल्स के कारण, जिसमें धमनी सिराएं आती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये धमनी सिराएं हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, सिकल ये इस टाइप का चल रहा था, ये ऐसा नहीं है कि अब ऐसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक टाइप से हो जाएगा इसका, है ना, इस टाइप से जब हो जाएगा ना तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, जिसके कारण से है बहुत तरह की काफ़ी बीमारियाँ होती है। जैसे मान लो कि हार्ट अटैक भी इसे हो सकता है, जब हार्ट में ब्लड नहीं पहुँचेगा तो सही से काम नहीं करेगा, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है उसमें उत्पन्न हो जाती है। और ये इससे पीड़ित होने वाले बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित इसलिए रहते हैं क्योंकि इसे अगर जिंदा रखना हो तो बार बार हमें ब्लड इसको है ना बदलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, तो आगे चलता है। अगर वो भी अगर करना छोड़ दे तो फिर उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया का अपने वर्णन देखा। तो जिस प्रकार से मैं आपको फिगर के माध्यम से बताया उसको एक्सप्लेन इस तरह से आप इसको लिखो, और एक्सप्लेन आप कॉपी में जाके कर सकते हो, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक हम देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, तब तक इसको आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को पढ़ते हैं, जो ये भी एक क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। पहले हमने सिकल सेल एनीमिया को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक ऑटोसोमल डिजीज है। आप देखिए इसमें क्या क्या है, एक छोटा सा इसमें कम जानकारियां आपके बुक में इसकी दी हुई है, तो जहां तक दी है थोड़ा सा 19 ही करके मैं आपको एक दो चीज बातें बता रहा हूं। तो ये भी क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर भी है, इसको भी बोलते हैं अप्रभावी है विकार ये भी है, ठीक है। क्योंकि अप्रभावी किसको बोलते हैं, जो एक लक्षण होगा तो प्रभावी होगा, डबल अगर होगा, डबल दोनों पे जो है तो उप्रभावी होता है, ठीक है, रिसेसिव होता है। तो चलिए देखते हैं, तो यह सातवें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। गुणसूत्र की संख्या
जो तेईस पेयर होती है, 22 पेयर ऑटोसम, एक वन पेयर जो अल्लोसम होता है, ऑटोसम जो है उस पे जो जो सातवां नंबर होगा उस पे क्या होती है, एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन, जानिए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो जाता है ना, उपस्थित है ना, संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जो उसमें उपस्थित होता है तो वही क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो संश्लेषण सिंथेसिस करेगा उसको कंट्रोलिंग करना शुरू करता है, मीन्स इसको जो है ग्लाइकोप्रोटीन को उत्पन्न होने नहीं देगा। तो प्रोटीन जब नहीं बनेगा तो बहुत सारी समस्या हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो इसके प्रभाव से क्या म्यूकस बहुत बढ़ जाता है, मीन्स जो नाक जो फंसता है बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है मेम्ब्रेन टाइप का जो काफी जो है म्यूकस टाइप झिल्ली टाइप का जो है काफ़ी लसलसा टाइप का जो है पूरे लगभग ये बॉडी में आ जाता है यहाँ इस भाग में, तो क्या इससे प्रभावित क्या क्या होता है, अगर इस ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या क्या प्रभाव होगा, तो सबसे पहले बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ब्रोंचाइटिस होगा, ये बीमारियाँ हो जाएगी, उसके बाद डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, डाइजेशन जो है उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएगा, आपने जल्दी से खाना पचेगा नहीं, उसके बाद पसीने की जहाँ तक बात है पसीने में क्या जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, NaCl की मात्रा उसमें है ना, सोडियम क्लोराइड की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है पसीना आपका नमकीन टाइप का ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे पसीना नमकीन थोड़ा होता ही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नमकीन, ठीक है। तो इस तरह से ये समस्या आपको अगर आती है तो समझिए सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको हुआ है। अब आगे हम दूसरी एक और दो और छोटी बीमारी है उसकी मैं चर्चा करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर का तीसरा बीमारी देखेंगे जिसको कहते हैं एलकैप्टोरेडिया, इसकी चर्चा अभी आपको NCERT में नहीं है लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो जो उसके अंतर्गत आती है थोड़ी सी चर्चाएँ मैं कर देता हूँ ना, ठीक है। तो देखो एलकैप्टोरेडिया क्या होता है, यह बहुत ही कम होने वाला जन्मजात रोग है ना, जन्मजात वंशागत रोग है, मतलब नहीं के बराबर होता है, रेयर केस में होता है ना। तो ये फिनाइल एलिन, देखिए समझिए, ये फिनाइल एलिनिन तथा टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म जो उपापचयी क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से ये बीमारी होती है। तो इसमें क्या हो गए लक्षण में क्या क्या आ जाएगा, देखिए लक्षण यहाँ पे इसके रोगी के पेशाब की जो धार होती है, पेशाब जो करते हैं वो काली दिखाई पड़ने लगती है ना। तो काली दिखाई पड़ती है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होमोजेनेटिक्स एक अम्ल का नाम है, ठीक है। जब ये उस पेशाब के माध्यम से ये अम्ल निकलता है जब बाहर, तो बाहर में जो है हवा के संपर्क में जब आती है तो हवा के संपर्क में आने से तुरंत ये क्या होता है, काला रंजक पिगमेंट बन जाता है, इसका नाम है एलकैप्टोन। एलकैप्टोन बन जाने के कारण वो बाहर आके है ना काला दिखाई पड़ लगता है, अंदर से नहीं रहता है, ठीक है। रिएक्शन होता है तब वो क्या होगा, काला दिखाई पड़ेगा, काला धार से दिखाई पड़ती है, लगता है काला पेशाब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है तो अगर लगातार ये होते जाएगा अंदर तो क्या होगा, जोरों में जितने भी ज्वाइंट पेन है वहाँ पे ना ज्वाइंट पेन आना शुरू हो जाएगा, अर्थाइटिस की जो परेशानी है वो परेशानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एलकैप्टोरेडिया भी एक डिसऑर्डर है जो रेयर केस होता है, ठीक है। एक और बीमारी है उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको लास्ट में टॉपिक है भी चर्चा करता हूँ, वो NCERT में इसकी वर्ड है चर्चा है। अब हम चौथे नंबर में फिनाइल किटोनेरिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ेंगे जो आपके NCERT में चर्चा है। ये अप्रभावी विकार है जिसको रिसेसिव डिसऑर्डर है जो बार बार आ रही है, तो ये भी है, और ये जन्मजात रोग है, जन्मजात विकार है ये भी, और इसकी समस्या जो होती है 12वें क्रोमोसोम पर होती है, इसके पहले आपने 7वें क्रोमोसोम पर पढ़ा है ना। तो उसमें क्या होता है ऑटोसोमल जीन के प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, अदला बदली है ना, चेंजिंग का ना प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के कारण ये होता है। तो किसके क्रोमोसोम पे, तो 12वें क्रोमोसोम के ऊपर होता है ऐसा, ठीक है। तो क्या क्या समस्या होती है, इसको हम एक प्रयोग से जिसे सिकल सेल एनीमिया को देखे थे उसी प्रकार से इसको आप समझिए ध्यान से, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले ये जो है फिनाइलएलनिलामाइन जो है ये हमारे बॉडी में पाता है ना, आवर बॉडी में क्या है, एक एमिनो एसिड है, ये क्या है एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना फिनाइलएलनिलामाइन, इसके हेल्प से
जब ये बात करता है एक जो है अमीनो एसिड, ये हाइड्रोक्सी जो लेथलेज ग्रुप है फिनाइलमाइन, इसके हेल्प से क्या होता है एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है ना टायरोसिन, टायरोसिन बदल जाता है। और टायरोसिन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अमीनो एसिड है। अगर इसमें नहीं बदलेगा है ना, नहीं बदलेगा तो ये सारे चीज समस्या आ जाएगी। देखिए ध्यान से, थायराइड हार्मोन जो हम लोगों को बॉडी में पाता है उसमें समस्या हो जाएगी, वो उत्पन्न नहीं होगा, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी है ना। डेपामाइन ये भी अगर उत्पन्न नहीं होगा सी प्रॉब्लम होगी। एड्रेनल हार्मोन ये समस्या हो जाएगी। मेलानिन त्वचा का रंग जो हम प्रदान होता है उसमें समस्या आ जाएगी। मीन्स ये बहुत ही टायरोसिन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड है। अगर ये हेल्प नहीं करेगा इससे बनने में, मतलब इससे ये बनने में अगर ये हेल्प नहीं करेगा इसमें समस्या आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी, अनेकों समस्याएं हो सकती है। तो क्या करता है, अब समस्या होती है अगर ये आपको दिक्कत होगी, इफ डैमेज, अगर इसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अगर ये नहीं हेल्प करके वो प्रदान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ समस्या इसमें आ जाएगी, तो ये बर्मे क्रोमोसोम गुणसूत्र पर समस्या बन जाएगी। तो क्या क्या समस्या आ जाएगी, देखिए ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो जाएगी तो क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो इसके प्रभाव पड़ेंगे अगर हेल्प करके ये एमिनो एसिड नहीं बनाएगा तो समस्या क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, सो दिमागी समस्या, दिमागी रूप से वो है ना थोड़ी सी पागल टाइप से, मीन्स दिमागी समस्या उसको उत्पन्न हो जाएगी, तरह तरह की माइंड सही से काम नहीं करेगा, तो ये मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा इसको। दूसरी बात है डीपिगमेंटेशन आ जाएगा इसको, बाल गिरना, बाल सिर का जो बाल गिरता है वगैरह, ये समस्या भी आपको इस तरह से, ये समस्या ऐसे अमीनो एसिड के नहीं बनने के कारण ऐसा आपको होगा, ये भी समस्या आपको आ जाएगी। उसके बाद है एक और समस्या आती है, देखिए त्वचा बाल एवं मूत्र से मौसी दुर्गंध निकलती है ना, मौसी मौसी नहीं मूसा टाइप जो है रेट है उसी टाइप से जो इसकी दुर्गंध होगी उसी टाइप से होगी, बाल का दुर्गंध हो या मूत्र प्रसार का दुर्गंध हो है ना, मौसी ओडोर है ना, और मौसी ओडोर मीन्स मौसी दुर्गंध टाइप का होगा, ये इसके लक्षण है, ये समस्या उसमें आती है। ठीक है, तो इस तरह से भी काफ़ी समस्याएं इस बीमारी से भी हो जाती है, ये आपने देखा फिनाइल किटोनिडिया को। ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक पूरा होता है, अब आप इसको देखें समझें और ओएचटी क्वेश्चन के रूप में इसको बना लें है ना, और अध्ययन करें, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक गुड बाय।